क्या आपको पता है? नहीं। चुप। ये जो फ्री फायर के प्लेयर है ना, जैसे कि वाइट एफ एफ, रॉक एफ एफ, ये ऐसे ऐसे करके कैसे हेडशॉट मार लेते हैं। मुझे मारो, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। आज के इस वीडियो में ऐसे आपको अमेजिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। सो गाइस, आपने भी कभी बड़े प्लेयर्स के गेम प्ले देखे होंगे, तो यार आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग इतने अच्छे वन टैप से बंदे को कैसे मार लेते? चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ सारे फैक्ट जो बड़े बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं, और आज के बाद से आपको भी उसे यूज करना है। ए छोटू। हाँ बोल। जल्दी से इंट्रो लगा यार। तो देखो यार, जो लोग मेरे से बड़े हो ना वो आप लोग, और जो छोटे हो तुम लोग, तब तक हेडशॉट नहीं सीख पाओगे जब तक वन टैप का फंडा है ना उसको सीरियसली नहीं लोगे ना, तो नहीं सीख पाओगे। आपको सीरियसली खेलना पड़ेगा इसके लिए, तभी सीख पाओगे। हेलो भैया। हाँ बोल। अरे मैं बोल रहा था ना कि इनको हेडशॉट कल सिखाना, आज चलो खेलते हैं कुछ और। तुम्हें शर्म है कुछ? कंट्रोल। सो गाइस, हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हाउ टू परफॉर्म वन टैप हेडशॉट। तो गाइस, ये वाला पॉइंट सबसे पहला नंबर पे इसलिए है क्योंकि यार तब तक आप लोग वन टैप के बारे में नहीं समझोगे, मतलब इसके पीछे का फंडा नहीं समझोगे, तब तक आप वन टैप नहीं मार पाओगे। तो यार जो बड़े बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इतने अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं ना कि वो कहीं भी मारते हैं, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में होता है हमेशा उनका वन टैप लगता है। सो गाइस, वन टैप का फंडा समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो गेम में आपको सेंटर पे एक क्रॉस हेयर देखने को मिलता है, ये जो व्हाइट कलर का रहता है जो रेड हो जाता है एनिमी के ऊपर आने से, तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यार जो सारा जो वन टैप का राज है ना इसके अंदर छुपा हुआ है। सो गाइस, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग एम का फंडा। तो गाइस, ये जो एम है उसका दो फंडा है, यहाँ पे वाइट एम का फंडा और रेड एम का फंडा। तो यहाँ पे गाइस आपको दोनों फंडा को अच्छे समझना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ कि जब आपका जो क्रॉस हेयर है वो एनिमी के बॉडी के ऊपर रहता है तो वो रेड हो जाता है या फिर उसके आसपास रहता है, और जब आपका एम काफ़ी दूर रहता है तब आपका जो एम है वो वाइट रहता है। इतना तो आप लोग को पता होगा। एंड हाँ गाइस, आपको जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस डमी के जरिए, कि अगर आपका बंदा जो है आपके लेफ्ट साइड में हो एंड आपका जो क्रॉस हेयर है वाइट साइड में हो, तो आपको करना क्या होगा कि आपको सिंपली अपने एम को जिधर भी हो गाइज, ये जरूरी नहीं कि एम किधर भी हो, लेकिन गाइज आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो एम है अगर आपका लेफ्ट है और बंदा राइट में खड़ा है, तो आपका जो एम है आपको राइट के साइड लेके जाना है बंदे के हेड की ओर। अगर आपका एम लेफ्ट के साइड में है और तो आपको राइट की ओर लेके आना है एनिमी के हेड की ओर। इतना समझने के बाद ना आपको वन टैप मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है वेन टू ड्रैग और रोटेशन ड्रैग। इसका मतलब है गाइस कि आपको कब ड्रैग करना चाहिए और कब रोटेशन ड्रैग करना चाहिए। इसके पीछे का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो यार, अगर आपका जो बंदा है, आपका जो एनिमी है, आपका स्टिल पोजीशन में है और आप भी स्टिल पोजीशन में हो, बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है, तो आपको सिंपली गाइस आपका जो क्रॉस हेयर है वो बंदे के पैर के नीचे रखना है, मतलब उसको आपको वहाँ पे सेट करना। एंड गाइस आपको बंदे की हेड की ओर, हेड के डायरेक्शन में आपको एम को लेकर जाना है एंड इजिली वन टैप पड़ जाएगा। एंड गाइज, वही हम बात करते हैं दूसरे केस में रोटेशन ड्रैग के बारे में। वही हम बात करें कि ये रोटेशन ड्रैग का यूज कब होता है। तो गाइज, इसका यूज तब होता है जब आप भी मोशन में हो और आपका जो एनिमी है वो भी मोशन में हो। तो आपका एनिमी अगर मान लो लेफ्ट साइड के मोशन में, अगर आप उसके राइट साइड में जंप कर रहे हो या फिर कहीं भी मोशन कर रहे हो, तो आपको सिंपली अपने एनिमी के हेड की ओर रोटेट करके ड्रैग करना है जिधर भी उसका हेड होगा, ठीक है, तो आपका इजीली वन टैप पड़ जाएगा। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के क्लिप के जरिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो यार मेरा जो एनिमी है इस साइड था तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको हेडशॉट दिया और आराम से इजीली वन टैप लग गया, ना तो मुझे कोई परेशानी हुआ ना ही मुझे कोई दिक्कत हुआ मारने में। सो गाइज, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है भानुमति का पिटारा। तो गाइज यार, इसको सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या कह दिया, व्हाट इज दिस। तो मैं आपको बता दूं कि यार क्विक वेपन स्विच, जो हमारा वेपन चेंज करने का जो ऑप्शन होता है, उसको मैंने भानुमति का पिटारा कहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। क्योंकि यार जो सारा जो वन टैप का जो राज है ना इसी के अंदर छुपा हुआ है, अगर आप लोग इसका यूज नहीं करोगे ना तो वन टैप में उतना परफेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर परफेक्ट हो जाओगे तो आपका मूवमेंट बिगड़ जाएगा, क्योंकि यार ये जो क्विक वेपन स्विच है आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है, आपका वेपन चेंज करने में हेल्प करता है, जिससे कि वन टैप इजिली लग जाता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो ये था आपका जो
फोर्थ पॉइंट था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बारे में कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो हमारा आखिरी पॉइंट है हाउ टू बी परफेक्ट इन वन टैप। तो यहाँ पे गाइस देखो यार, ये कुछ गुलकोंडी नहीं है कि आपने गिलास में घोरा और पी गया और आपको वन टैप आ गया। तब तक जब तक आप इसको ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको ये आने वाला नहीं है। खत्म। तो गाइस ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपके वन टैप में कैसे परफेक्ट बन सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 60 लाइक्स। अगर आप लोग इसको पूरा कर देते हो तो यार इसका पार्ट टू भी लाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। वंस अगेन टाटा, गुड बाय।